Assalamualaikum friends, welcome to my channel. आज मैं आपसे अपने रूटीन के बारे में बात करूंगी, फेशियल के बारे में बात करूंगी कि फेशियल हम लोग अगर घर में करना चाहें तो कैसे करेंगे और किन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हम जाएं अगर तो सैलून्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फेशियल्स वगैरह, और वहाँ पर जाकर अगर आप फेशियल्स लेते भी हैं तो वो एक दफ़ा के फेशियल लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप डेली बेस पर घर के अंदर जब तक आप अपनी स्किन को केयर नहीं करेंगे तो वो एक दो बार के एक एक्सपेंसिव फेशियल से कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप घर पे अपनी स्किन को केयर कीजिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से। ये न्यूट्रोजिना का फेस वॉश है, ये बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रोजिना रिफाइनिंग डेली क्लिंजर है, पोर्स लुक्स विजिबली स्मॉलर वीक आफ्टर वीक, और ये वाकई बिल्कुल इसी तरीके से इसका वर्क करता है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए मेरी बॉटल, मेरी पत्नी के कौन सी बॉटल होगी, ये मैं बहुत कब से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आप रात को सिर्फ क्लिंजिंग करें, फेस वॉश करें, उसके बाद क्लिंजिंग टोनर करके अपनी नाइट क्रीम लगाएं, और जो मैंने आपको सिरम बताया था वो सिरम अगर आप यूज़ करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वो यूज़ करें और फिर आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, फेस वॉश के बाद हम यूज़ करेंगे क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क भी मैं न्यूट्रोजिना का यूज़ करती हूँ, और ये भी है डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, न्यूट्रोजिना का एक्स्ट्रा जेंटल क्लिंजर है, फ्रेग्रेंस फ्री। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये क्लिंजर है, न्यूट्रोजिना बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और ये ऑल स्किन टाइप्स पर वर्क करेगा, बहुत अच्छा है। आपने इसको लेना है और इसको जेंटली अपने पूरे फेस पर मसाज करना है, सर्कुलेशन को अच्छे तरीके से पूरा आपने मसाज करना है, सारे स्टेप्स को देना है, और जब आईज़ के ऊपर आप करेंगे तो आप अपनी ये रिंग फिंगर से मसाज करेंगे, क्योंकि इस रिंग फिंगर पे प्रेशर बहुत लो होता है जिसकी वजह से आपके आईज़ पर रिंकल्स का प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इससे अपनी स्किन पर करें और फिर इन दो फिंगर्स को आप अपने फेस पे यूज सर्कुलेशन में पूरे फेस पे दोनों हाथों से इस तरीके से करें, पूरे फेस पे मसाज करें अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से जज्ब हो जाए बिल्कुल, तो फिर आपने इसको कॉटन की मदद से अच्छे से रब करना है, सबको क्लीन ऑफ करना है, देन आपने इसके बाद स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रबिंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ निविया का डेली इसेंशियल जेंटल एक्सफोलिएशन स्क्रब है, ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन का है विद विटामिन ई एंड हाइड्रा आई क्यू एक्सफोलिएट फ्रेश स्किन फीलिंग, बहुत ज़बरदस्त है। निविया की प्रोडक्ट्स आप जानते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग होती हैं, तो ये बहुत अच्छा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में बड़ा ज़बरदस्त स्क्रब है ये, और इसको आप डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मना करूँगी कि स्क्रब को आप इतना ज़्यादा अपने फेस पर ना इस्तेमाल करें, इसको सिर्फ वंस अ वीक यूज़ किया करें, डेली बेस पे कभी भी स्क्रबिंग ना करें। आप जितना ज़्यादा केमिकल अपने फेस पे लगाएंगे आपकी स्किन जो है वो बहुत आदी हो जाएगी इन चीज़ों की, तो वो सॉफ्टनेस वो नहीं आएगी, इसलिए इसको वंस अ वीक यूज़ करें। स्क्रबिंग के बाद आप अपने पिन की मदद से आपने अच्छे से अपनी नोज़ को क्लीन करना है, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप बाल पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बॉबी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप अच्छे से अपनी उस क्लीन करें। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अच्छा, ये मसाजर क्रीम के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सुकिन का है और ये मेड फॉर ऑस्ट्रेलिया है,
मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। इसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाज की में इनकी प्रोडक्ट है और बड़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। इसको आपने लेना है और आपने इसको सर्कुलेशन मूवमेंट में इसकी ये देखिए ये लेंगे आप और आपने पूरा इस तरीके से इसका बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे उसी तरीके से जिस तरह आपने क्लिनजिंग की थी उसी तरह सेम स्टेप्स का आपने यूज़ करना है। सर्कुलेशन मूवमेंट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ्रेगरेंस है, मज़े की है। तो आपने इसको लगाना है और इस मसाज क्रीम को अच्छे से आपने सर्कुलेशन के साथ सर्कुलेशन मूवमेंट रखनी है, थोड़ी सी अपर में आपने रखना है। स्किन को कभी भी आप नीचे की तरफ नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ आपने करना है। इस तरीके से अपने फेस को चिन से लेकर आपने चिक्स की तरफ ऊपर की तरफ आपने इसके अपर इसके रखने स्ट्रोक्स और फिर आपने अच्छे से इसको जस्प किया पूरा अच्छे तरीके से आपने इसको पूरा सर्कुलेशन मूवमेंट में आपने पूरा इसको जस्प करना। बहुत ज़्यादा हार्ड आपने हाथ नहीं रखना अपने फेस पे, स्लो स्लो और बहुत लाइट के साथ लाइट। तो ये अच्छे से जस्प करना, उसके बाद आपने इसको कॉटन के साथ अच्छे से रब करना है। कॉटन से रब करने के बाद आपने ये वाला फेशियल मास्क ये लगाना है, हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क है ये भी सुपर कंपनी का है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरी थर्ड जार है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त है ये। और इसको आपने पूरे अपने फेस पे लगाना है और जस्ट 15 टू 20 मिनट्स आपने इसको लगाना है और बस उसके बाद आपने इसको टिश्यू ऑफ करना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एक क्रीमी टाइप का है, ये देखें कितना थिक है, क्रीम टाइप का है। आप ये मत समझिएगा कि ये आप लगाएंगे तो उसके बाद ये सूखेगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स के लिए आपने लगाना है और उसके बाद आपने इसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है। कॉटन आई पैड्स होते हैं उससे अच्छे तरीके से आपने साफ़ करके और उसके बाद आपने ये टोनर लगा लेना है। ये टोनर भी मैं न्यूट्रोजेना का ही यूज़ करती हूँ, न्यूट्रोजेना भी बहुत ज़बरदस्त है, विजिबल रिड्यूस्ड अपीयरेंस ऑफ पोर्स एंड रिफाइंड लाइंस। ये देखिए इसको आपने इस रूटीन को आपने डेली नहीं करना है, वीकली करना है, हफ्ते में एक बार आप कीजिए और आप फिर अपनी स्किन पे रिजल्ट्स देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।